गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास. स्टूडेंट्स, पता है आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या बनाएंगे? क्रिसमस ट्री. आपको पता है अभी क्रिसमस आने वाले हैं, तो आज हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे. तो आपको क्वेश्चन होगा कि मैम कैसे बनाएंगे क्रिसमस ट्री. तो उसके लिए देखिए, आपको A4 साइज का क्राफ्ट पेपर, ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर का पेपर. मेरे पास डार्क ग्रीन कलर का पड़ा था तो मैंने ये लिया है, ठीक है. और हो सके तो आप मम्मी पापा की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें, ओके. तो ये मेरे पास जो क्राफ्ट पेपर है उसको मैं ऐसे शेप में, देखिए यहाँ से ये कॉर्नर से यहाँ तक ऐसे टच करके मैं ऐसे कट कर दूंगी. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया मैंने. देखा आपने, ये वाला पार्ट ऐसे रहे वो अभी हम कट कर देंगे. देखिए यहाँ से ठीक है. अभी क्या करेंगे देखिए, आपको ये ट्रायंगल शेप में दिखता है ये वाला, ये ऐसे. तो मैं अभी पेंसिल और स्केल लूंगी, ठीक है. तो पेंसिल और स्केल से पहले यहाँ पे ऐसे दिखे नहीं ऐसे, मैं इतनी सी पेंसिल से लाइन खींच लूंगी, ठीक है, ओके. लाइन खींचने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे देखिए, नीचे से मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ऐसे. मैं कट करने के लिए हम जो सीजर से प्लीट्स वो कट करेंगे, तो मैं पेंसिल से ऐसे लाइन खींच देती हूँ, तो हमें कितनी साइज में कट करनी है तो वो पता चले, ठीक है. ऐसे कट करेंगे हम, अरे सॉरी, लाइन खींचेंगे बाद में कट करेंगे, ठीक है. लाइन खींचने से क्या कि बराबर से प्रॉपरली ये कट होगी. ऐसे ही हमें वो करना है ऐसे ऐसे कट करेंगे लाइन खींचने के बाद. पहले बराबर से प्रॉपरली लाइन खींच लेते हैं. यहाँ तक ऐसे चलो. तो अभी हम कट करते हैं यहाँ से ऐसे. देखिए पेंसिल से हमने जो, और जो हमने सीधी लाइन ली थी ना स्टूडेंट, तो वहाँ पे हमें रुक जाना है. देखिए यहाँ पे ये लाइन ली थी हमने, तो वहाँ पे हमें रुक जाना है, इतना ही कट करना है, फिर आगे दूसरी लाइन. फिर आगे तीसरी, ऐसे सब जो लाइन हमने खींची वो हम कट कर देंगे, ठीक है, ओके. देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कट कर दिया. अभी मैं उसको ऐसे खोल देती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे. तो जो पेंसिल वाला पार्ट है हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे इस साइड पे फेविकोल, और इस साइड पे नहीं तो ऐसा करना है तो बीच में हम लगा देते हैं. देखिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ फेविकॉल, ठीक है. तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे फेविकॉल लगाया, तो यहाँ पे इसके पकड़ के रखना पड़ेगा स्टूडेंट, नहीं तो ऐसे, ठीक है. ऐसे हम पकड़ के यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है. यहाँ पे अगर ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं फेविकॉल, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे चिपकाएंगे धीरे से. ऐसे थोड़ी देर पकड़ के रहो,
तो किसी और को बोलो तो वो पकड़ के रखेंगे तो क्या है चिपक जाए ये बराबर से। फिर देखिए ऐसा है तो यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे इस साइड पे, फिर दोनों साइड ऐसे चिपका के ऐसे बैठिए, पकड़ के बैठिए, ठीक है, ओके। देखिए थोड़ी देर पकड़ के ऐसे बैठे रहना पड़ेगा तो ही ट्री बराबर से होगा। अभी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने हाफ तक किया, अभी सब जगह हम ऐसे ही यहाँ पे सब जगह डॉट डॉट डाल देंगे ऐसे फेविकॉल, और फिर चिपका के पकड़ के बैठे रहना पड़ेगा तो ही सूखेगा, फिर ही ये चिपकेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम ऐसे ही करेंगे आगे, ठीक है, ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा ऐसे इस साइड यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करते रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्रिसमस ट्री ऐसे अभी बाकी है, फिर मैंने ये रेड कलर का ऐसे स्टार बनाया है तो मैं यहाँ पे ऐसे फेविकॉल लगा के यहाँ पे स्टिच कर दूँगी, ठीक है, ऐसे चिपका दूँगी, देखिए, ठीक है। फिर भी अभी बाकी है, फिर हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास पेपर है तो यहाँ पे देखिए दो पेपर ये एकदम से हमने बड़ा बना दिया है क्रिसमस ट्री, हो सके तो आप छोटा भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जो मेरे पास ये पेपर है उसको मैं ऐसे लगा के, ठीक है, नीचे यहाँ पे हम दूसरा रेड कलर का ब्राउन कलर का गमला बनाएंगे उसके अंदर, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूंगी, ठीक है, ओके। हमारा क्रिसमस ट्री रेडी, ऐसे ठीक है स्टूडेंट। देखिए अभी हमारा क्रिसमस, लेकिन बीच में कुछ हम लगा रहे हैं तो अगर आपके पास कुछ डेकोरेशन के लिए है तो आप डेकोरेशन कर सकते हैं, पर मेरे पास ये सिल्वर कलर का पेपर है तो यहाँ लाइन में बीच में लगाने के लिए ऐसी कुछ टैप है, आप टैप लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे मेरे पास ऐसी, पर ये नहीं अच्छी लगती है तो मैं इसके छोटे छोटे सर्कल कर देती हूँ, ठीक है, स्नो जैसा लगेगा, देखिए इसके हम छोटे छोटे ऐसे इतने से सर्कल बना देते हैं, ठीक है, फिर मैं कट कर देती हूँ। सके तो ये सर्कल बनाने में आप मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। देखिए तो ये इस पे हम लगा देंगे ऐसे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कलरफुल है तो वो भी आप लगा सकते हो, ऐसे फेविकॉल लगा के लगा देंगे हम। चलो फेविकॉल लगा देते हैं, एक एक करके हम चिपकाते हैं बीच में। अगर आपके मोती की जो डेकोरेशन बाजार में मिलता है सामान तो उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हो।
देखती हूँ ये एकदम से बड़ा सा हमारा क्रिसमस ट्री बना। आप इसको बना के फिर मुझे ठहरिए मैं ये इतना लगा देती हूँ, देख लीजिए आप बराबर से। देखिए स्टूडेंट ये मैंने क्रिसमस ट्री बनाया है, मैंने बड़ा बनाया है पर आप छोटा इतना छोटा बना के A4 साइज़ में ऐसे चिपका के लगा सकते हो क्रिसमस ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्रिसमस ट्री बना के अपना फ़ोटो ऐसे पकड़ के मुझे फ़ोटो सेंड कीजिए। अपना बैठ के ऐसे क्राफ्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय।